हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। मैं विशाखा और आप सभी का स्वागत करती हूँ विशाखा क्लासेस में। आज मैं आपको बहुत टेस्टी सी यम्मी सी मिठाई सिखाने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत इजी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सब फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर को। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम बना रहे कोकोनट केसर बर्फी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे, के लिए आप यहाँ पर कढ़ाई या फ्राई पैन कुछ भी ले सकते हो, और उसमें हम 1 कप दूध डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये जब तक गाढ़ा ना हो जाए मिक्स करते रहना है और ये स्लो फ्लेम पे ही करना है। ये देख सकते हो एकदम अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब इसमें शक्कर डाल देंगे। आप जैसा मीठा खाते हो उसके हिसाब से आप शक्कर ले सकते हो। यहाँ पे मैं 2 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ और इसको शक्कर को अच्छे से पिघलने देंगे। अब इसमें 1/2 कप मावा डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने बाजार का मावा लिया हुआ है, अगर आपको घर का मावा चाहिए तो वो भी आप डाल सकते हो। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम 3 चम्मच कोकोनट पाउडर डाल देंगे जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी आप कुछ भी आप प्लेट ले सकते हो या कोई भी आप खांचा ले सकते हो। यहाँ पे मैं चौकोर ले रही हूँ और इसमें अच्छे से घी लगा दिए। अब इसमें मावा वाला बैटर डाल देंगे और इसको अच्छे से प्रेस करके 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दें। अब एक फ्राई पैन लेंगे जिसमें हम 2 चम्मच घी रख देंगे। घी जैसे ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से हम घी और डालते रहेंगे। अब इसमें 1/2 कप बेसन डाल देंगे और इसे अच्छे से सेकना है। इसे अच्छे से स्लो फ्लेम पे ही अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर मैं 1 चम्मच घी और डाल दी हूँ और ये देख सकते हो अच्छे से घी और बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है। यह अभी अच्छे से सिक गया है। अब हम इसमें मावा डाल देंगे। यहाँ पर मैं 1/2 कप मावा यूज़ कर रही हूँ और इसको भी अच्छे से आप मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स होने आया है। इसको भी एक प्लेट में निकाल के हम ठंडा कर देंगे। जैसे ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे शक्कर। जैसा भी मीठा खाते हो उसके हिसाब से यहाँ पे आप शुगर पाउडर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने 2 चम्मच यूज़ किए थे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। जो हमने पहले जिसमें मावा जमाया था इसको भी उसी में डाल देंगे। और इसको अच्छे से इसमें प्रेस कर देना है। अच्छे से प्रेस करना है, ये अच्छे से हो जाना चाहिए। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए इसको रख देंगे। 10 से 15 मिनट हो गए। अब इसको हम निकाल देंगे इस खांचे में से। ये देखिए कितने अच्छे से बन गई है। यहाँ पे अभी मैं केसर ले रही हूँ और इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। ये लीजिए हमारी कोकोनट केसर बर्फी रेडी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सब फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर को, कमेंट कीजिए नीचे मुझे, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना।